सर ये मशीन है कराची टाइप जो आपके नई तैयार हुई है भारी वाली, ठीक है, और ये नई चादर में है और टोटल इसका जो ड्रम है वो 40-48 का है पूरा और 250 चादर है इसमें नई वाली, टोटल नई चादर लगी हुई है। इसके जो ड्रम है और इसके तवे हैं और इसका जो अपना है दूसरा ब्लेड वो टोटल 250 में है और नए हैं और पूरे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये इसका जो डाला है ये 11 गेज में है नई चादर के साथ, ठीक है। उसके अलावा इसमें टोटल जो बैरिंग लगे हुए हैं वो टोटल बैरिंग नए बैरिंग डले हुए हैं और अच्छी क्वालिटी के, कोई बैरिंग जो है ना वो सेकेंड हैंड नहीं है और लो क्वालिटी का नहीं है। और जो इसमें ये एंगल लगा हुआ है ये 3.5 का है, सही है, और नया लगा हुआ है, सेकेंड हैंड नहीं है। और दूसरे नंबर पे इसका जो ये वाला गरारा है ये, ठीक है, ये 12 वाला लगा हुआ है, एक इसमें हल्का आता है, उसकी ये चौड़ाई कम होती है, ठीक है, और इसकी ये चौड़ाई ज़्यादा है और वजनी है, आम जो गरारा होता है वो हल्का लगता है, इस वजह से वो मशीन 2-4-5 हज़ार रुपये सस्ती मिल जाती है, ठीक है। बाकी ये 16 गेज की चादर लगी है ऊपर इसकी छत के ऊपर जो पीटर इंजन के लिए होती है वो भी नई है, ये इसका चैन नया लगा हुआ है, बैरिंग इसके टोटल जो है ना वो नए हैं। और इसके अलावा इसका क्या नाम है, अंदर से देख लें कि ये अंदर से है इसकी ड्रम की अंदर वाली साइड, ठीक है, ये आपके सामने है, अभी हमने इसको पेंट नहीं करवाया तो आपके सामने ये ड्रम आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि ये पुराना लगा हुआ है या नया लगा हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर से ब्लेड लगे हुए हैं, ये भी आपके सामने है कि ये नए लगे हुए हैं और ये टोटल 250 में है और आपको तस्वीर में ये इसकी मोटाई नज़र आ रही है ब्लेड की, ये देख लें, यही ब्लेड 250 है और यही चादर है जो ड्रम पे लगी हुई है, ठीक है। और डाला जो है वो 11 गेज में है लेकिन उसका जो एंड है वो 250 में है, बाकी 6 का चैनल लगा हुआ है और ये 6 का चैनल है 6 इंच का और ये नया वाला लगा हुआ है, ये सिर्फ आपको जो जंग नज़र आ रहा है ये लगा हुआ है कि मशीन बाहर खड़ी है और हमने इसको रंग नहीं किया, रंग इस वजह से नहीं करते कि कस्टमर देख के फिर ओके करे तो हम उसको रंग करें, क्योंकि रंग हो जाएगा फिर नहीं पता चलेगा ये नई लगी हुई है या पुरानी लगी हुई है। ये इसकी पुलियाँ वगैरह हैं और इसके जो यूनिवर्सल होती हैं अपना यूनिवर्सल ब्रैकेट और यूनिवर्सल बैरिंग जो है वो भी नए लगे हुए हैं, ठीक है, कोई सेकंड हैंड बैरिंग इसमें नहीं है, गारंटी है इस बात की। और ये जो रूले लगे हुए हैं ये वाले आपको साफ थोड़ा सा धूप है, ये वाले रूले लगे हुए हैं तो ये भी बिल्कुल हैवी वाले लगे हुए हैं, हल्के नहीं लगाए हुए, इसमें जो हल्के आते हैं वो थोड़ा से ये जगह क्लोज़ होती है उनकी और ये नीचे वाला भी हिस्सा जो है ना वो भी हल्का होता है।